नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। आज 1 मार्च है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की, वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर, बड़ी खबर अभी आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी एम्स में कोरोना का प्रथम डोज लिया है। प्रधानमंत्री ने अभी जो है वो कोरोना का पहला टीकाकरण करवाया है खुद के ऊपर। वही बता दे, आज नीतीश कुमार भी, आज बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो भी IGIMS में आज टीकाकरण अपना करवाने वाले हैं। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्मरण से लिया है, जो कि टीकाकरण से ही संबंधित है। इसमें दिया है कि आम जन को आज से जिंदगी का टीका, 60 साल से अधिक उम्र और 45 साल से अधिक उम्र वाले के गंभीर रोग से ग्रस्त होने वाले को आज टीकाकरण दिया जाएगा। कोविन 2.2 पोर्टल जो है और आरोग्य सेतु पर आज सुबह 9 बजे से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त और प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपये में लगेगी कोरोना की ये वैक्सीन। बहुत बड़ी खबर है और आमजनों के लिए आज से खुल गया है कोरोना जो टीकाकरण है उसका रास्ता। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से ही। इसमें दिया है कि अंतरिक्ष में भारतीय जल क्षेत्र की निगाहबानी करेगा सिंधु नेत्र। DRDO के उपग्रह को इसरो के PSLV C-51 रॉकेट से कक्षा में किया गया तैनात। भारत ने अपना नया सैटेलाइट जो कि PSLV C-51 से लॉन्च किया है। DRDO की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे जो है समुद्र क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों पर नजर बना के रखा जाएगा। भारत के लिए बहुत बड़ा ये उपलब्धि है। वही अगले खबर हमने लिया है जनसत्ता से। इसमें दिया है कि लगातार चौथे दिन 16,000 से अधिक मामले मिले हैं कोरोना वायरस के और आज से टीकाकरण की शुरुआत हो रही है। पेपर में दिया हुआ है कि देश में लगातार 4 दिनों से कोरोना संक्रमण के 16,000 से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इस बीच सोमवार को 60 साल से अधिक उम्र वाले के सभी और विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे 45 साल से अधिक उम्र वालों को टीकाकरण किया जाएगा। तो जो मामले हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और 6 राज्यों में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, जिसकी जानकारी जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दी जा रही है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से। इसमें दिया हुआ है कि 120 सालों में दूसरी सबसे गर्म फरवरी। 2006 में अधिकतम तापमान 29.7 रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन इस साल जो है वो तापमान उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1901 के बाद इस साल फरवरी दूसरा सर्वाधिक और न्यूनतम तापमान यहां रहा है। उत्तर भारत में हवा का रुख बदल गया है, जिससे सुबह की सर्दी कुछ दिनों के लिए लौट सकती है और अगले 24 घंटा में मौसम में परिवर्तन होने की भी संभावना बताई जा रही है। वही अगली खबर हमने जनसत्ता से लिया है। इसमें दिया है कि सुप्रीम कोर्ट याचिका पर 5 मार्च को सुनवाई के लिए सहमत और ये सुनवाई जो है वो तमिलनाडु में आरक्षण संबंधी कानून से संबंधित है। इसलिए हमने खबर को लिया है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो है वो देश में लागू आरक्षण को भी प्रभावित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु के 1993 के उस कानून की संवैधानिक वैधता की चुनौती देने वाली एक अर्जी पर 5 मार्च को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें राज्य में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को 69% से ज्यादा आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है और तमिलनाडु में जो है 69% आरक्षण की व्यवस्था है। वही अगली खबर हमने जनसत्ता से ही लिया। इसमें दिया है कि कृषि कानून वापस होने तक आंदोलन जारी रहेगा, राकेश टिकैत ने कहा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा कि जब तक MSP पर कानून नहीं बनेगा और नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि किसान का आंदोलन जो है वो काफी कमजोर हो चुका है और विभिन्न जो नेता है उसके वापस हो चुके हैं और विदेशी जो इसमें संलग्नता थी, विदेशी योगदान था इस आंदोलन को भड़काने में, इसको गलत दिशा में ले जाने में, उसका भी मामला उजागर होके आया है। अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया है। इसमें दिया है कि GST रिटर्न 31 मार्च तक भर सकेंगे। करदाताओं की दिक्कत के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए GST का वार्षिक रिटर्न भरने की समय सीमा रविवार को 31 मार्च तक बढ़ा दी गई। इससे पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 की गई थी, अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दी गई है। तो जो भी अपना GST रिटर्न अभी तक नहीं भर पाए हैं वो 31 मार्च तक भर दें। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया है। इसमें दिया है कि फैसला लिया गया है, पर्चा लीक होने पर सेना भर्ती परीक्षा रद्द।
सेना के प्रश्न पत्र लीक होने पर सैनिक जनरल ड्यूटी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि इस मामले में पुणे से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आप समझ सकते हैं कि जो सेटर हैं, जो क्वेश्चन आउट कराने वाले हैं, उनका कितना जड़ जो है मजबूत हो चुका है कि सेना जैसे कॉन्फिडेंशियल संस्था के भी वो प्रश्न पत्र को लीक करा ले रहे हैं। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से, इसमें दिया है कि बिहार में कोरोना टीका मुफ्त, निजी अस्पतालों में भी टीका लेने पर नहीं देना होगा कोई शुल्क। ये बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार के सभी नागरिकों को कोरोना का टीका मुफ्त में लगेगा। निजी या सरकारी किसी भी अस्पताल में टीका लेने पर कोई शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। रविवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तीसरे चरण के कोरोना टीकाकरण के तैयारियों की समीक्षा क्रम में राज्य में निःशुल्क टीकाकरण का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने कहा था कि सभी बिहारवासियों को मुफ्त में टीका दिया जाएगा और इसी वादे को पूरा करते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया हुआ है कि अरुण कुमार सिंह राज्य के नए मुख्य सचिव बने। बिहार प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अरुण कुमार सिंह के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। बिहार के वो 1985 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी और विकास आयुक्त रहे अरुण कुमार सिंह को मुख्य सचिव बनाए जाने की अधिसूचना रविवार को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने जारी कर दिया है। वही जो आमिर सुभानी हैं वो राज्य के नए विकास आयुक्त होंगे। वह महानिदेशक बिपार्ड के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से, इसमें दिया है कि निजी अस्पतालों में टीकाकरण में गड़बड़ी पर होगी कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग ने तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान को लेकर दी हिदायत। 1 मार्च से COVID-2 पोर्टल पर निबंधन प्रक्रिया शुरू होगी। तो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें अगर किसी तरह की गड़बड़ी होती है टीकाकरण को लेकर तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया है कि कहीं से पहली से पांचवीं के बच्चे आज जाएंगे विद्यालय, कहीं ऑफलाइन तो कहीं ऑनलाइन ली जाएगी वार्षिक परीक्षा। तो आज एक अहम दिन है कि आज लगभग 1 साल बाद जो पहली से और पांचवी तक के जो विद्यार्थी हैं वो अपने स्कूल का मुंह देख सकेंगे, फिर से वो स्कूल की तरफ लौट सकेंगे। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि 15 मार्च से 25% बढ़ेगा लॉन्ग रूट बस का किराया। 15 मार्च से पटना समेत पूरे प्रदेश में लॉन्ग रूट का बस किराया 25% तक बढ़ेगा। ऑटो चालकों की देखा देखी बस मालिकों ने भी किराया बढ़ाने की मनमानी घोषणा कर दी है। रविवार को बैरिया स्थित अमर ज्योति पंप पर बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर सिंह ने की अध्यक्षता में बस मालिकों की बैठक हुई और इसमें निर्णय लिया गया कि जो डीजल के रेट है वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और ऐसे में बस भाड़ा बढ़ाना जो है वो जरूरी है। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया, इसमें दिया है कि फलों की मांग बढ़ी बिहार में, पहली पसंद बनी खरबूज की खेती। बिहार में फलों के उत्पादन में लगातार हो रहा है सुधार। किसान को अब पहली किसानों की अब पहली पसंद तरबूज खरबूज की खेती हो गई है। फलों के कुल उत्पादन में यह पहले नंबर पर है। पिछले 3 वर्षों से आम और केले का उत्पादन सबसे अधिक हो रहा था। आलू प्याज मूली गाजर को छोड़कर अन्य सब्जियों के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। तो बिहार में एक नया परिवर्तन देखा जा रहा है कि तरबूज खरबूज की खेती जो है उसे ज़्यादा उसकी मांग जो है अब किसान भी ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड हैं। वही अगली खबर भी हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि 24 घंटे बाद कम होगी गर्मी, आज बढ़ेगा पारा। चैत महीने की तपिश फागुन में महसूस की जा रही है। पश्चिमी और दक्षिणी बिहार में उच्चतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 4 से 5 डिग्री अधिक चल रहा है। वही उत्तर और पूर्वी बिहार में अधिकतम जगहों पर रात में तापमान में सामान्य 6 डिग्री की बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि इस क्षेत्र में दिन का तापमान भी सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक है। पूरे बिहार में सोमवार को तापमान बढ़ने की आशंका व्यक्त की गई है। हालांकि मंगलवार से तापमान में कुछ दिनों के लिए गिरावट का पूर्वानुमान है। जानकारों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और बांग्लादेश में चक्रवात की सक्रियता से तापमान में यह कमी संभावित है। पटना शहर का उच्चतम तापमान 5 डिग्री से अधिक 33.2 कल दर्ज किया गया। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया हुआ है कि 100 से अधिक अस्पतालों में टीका लगेगा। जो इसके अलावा सेंटर पर जाने से पहले सभी जरूरी सर्टिफिकेट और पहचान पत्र को अपने साथ रखना है। और इसमें एक और खबर दिया हुआ है कि 50% फ्रंट लाइन वर्कर को ही अब तक लग सकी है वैक्सीन। तो फ्रंट लाइन वॉरियर जो भी हैं उनका 50% वैक्सीनेशन हो चुका है,
हो सका है, तो इसमें बढ़ाने की जरूरत है। और वैसे लोग जब अभी तक टीका नहीं लिए हैं उन्हें आगे आकर टीका लेने की जरूरत है। वही अगली खबर एक हमने प्रभात खबर से लिया है, काफी सकारात्मक खबर है, अच्छी खबर है। कल से 125 करोड़ की 8 AC इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी पटना की सड़कों पर और इसका तीसरा ट्रायल किया गया और संभावनाएं जो हैं वो कल मुख्यमंत्री इन बसों को हरी झंडी दिखा सकते हैं। तो पहली इलेक्ट्रिक बस जो कि 1 घंटा चार्ज होने पर 250 किलोमीटर चलेगी और इनका भाड़ा जो है अन्य भी जो बस चलती है पटना में उससे अधिक होने की संभावना है, क्योंकि AC बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसें हैं। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि JEE मेंस दूसरा चरण 15 से फॉर्म भरने एवं सुधारने का मिलेगा मौका। आपको बता दें कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन 2021 का दूसरा चरण 15 से 18 मार्च का को आयोजित किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए कई स्टूडेंट जनवरी में ही फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा में शामिल होने के लिए एक और मौका दिया है। तो ये थी पटना और देश से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने कमेंट दें और हमारे पेज News PR को फॉलो जरूर करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल News PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।